नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके वीडियोस के कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट वर्जन का। तो दोस्तों, पहले जो बजाज एवेंजर आता था उससे ये लगभग 4 चेंजेस अभी ये न्यू एवेंजर में आता है। तो दोस्तों, एवेंजर हम एक बहुत ही फेवरेट बाइक रहा है क्रूज़र सेगमेंट में एंड लॉन्ग एक बहुत ही अपने सेगमेंट में लॉन्ग व्हील बेस के साथ और एक यूनिक लुक्स के साथ, हार्ले डेविडसन से इंस्पायर्ड लुक के साथ ये बाइक अभी आपके सामने अवेलेबल है। दोस्तों, चारों तरफ से मैं आपको इस बाइक का जो लुक है वो दिखाते दिखाते मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इसमें चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप खुद देख सकेंगे कि इसका जो कलर्स एंड ग्राफिक्स है उसमें अभी चेंजेस है। दो कलर्स में आता है, एक वाइट और एक मैट ब्लैक में। नेक्स्ट दोस्तों, जो इसमें एक चेंज हुआ है अभी, उसमें इसमें एक LED DRL आया है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो हेडलाइट है वो हमेशा जलता हुआ नहीं रहेगा, तो इससे आपका जो बैटरी है ये बैटरी सेव होता जाएगा। पहले इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आता था, अभी बजाज ने अपने कस्टमर्स का मांग सुना है एंड इसमें ट्यूबलेस टायर्स को अवेलेबल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा DRL जो कि बहुत ही विजिबल लगता है दूर से, ये हमेशा से जलता रहेगा एंड जब आप हेडलाइट जलाएंगे तो ये DRL डिम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो बैटरी है उसके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता। ये देखिए, जैसे मैं ये हेडलाइट ऑन करता हूँ, ये LED जो DRL है वो काफ़ी हद तक डिम हो जाता है। बाकी दोस्तों, अगर हम कहें तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली, पहले एनालॉग और डिजिटल में था, अभी ये कम्प्लीटली डिजिटल बना दिया गया है। इसका जो इंडिकेटर्स है वो भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है एंड रेट्रो स्टाइल्ड इसमें इंडिकेटर्स दिया गया है राउंड शेप का एंड इसमें फॉर्क कवर्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, यही था इसमें चेंजेस। और बाकी अगर हम कहें तो बिल्कुल पहले जैसा ही सेम इसमें बाकी जितने भी कुछ हैं, इसका जो स्पेसिफिकेशंस, इसका टायर्स, इसका इंजन, सब कुछ इसमें बिल्कुल सेम है। इसमें सामने आपको 12 स्पोक अलॉय व्हील्स एंड पीछे आपको 9 स्पोक अलॉय व्हील्स आता है। अगर दोस्तों हम इसका स्विच गियर और मिरर्स को देखें तो मिरर्स क्लासिक स्टाइल मिरर्स है, लंबा मिरर्स एंड इसमें एल्युमिनियम फिनिश्ड ब्रेक और क्लच लीवर्स एंड जो बजाज का जो डिसेंट स्विच गियर है वो आपको मिल जाता है। इंजन किल स्विच और जो पास लाइट स्विच आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक ऑरेंज बैकलिट इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, आपका टोटल किलोमीटर्स, दो ट्रिप मीटर, क्लॉक और जो आपका फ्यूल इंडिकेटर है वो आपको मिल जाता है। ये एक ऑरेंज बैकलिट डिस्प्ले है और जैसे कि आप हेडलाइट ऑन करेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें लाइट आ जाएगा, जैसे कि हेडलाइट ऑफ करेंगे लाइट चला जाएगा। इसका जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर आपको बजाज का लोगो, न्यूट्रल और लो बैटरी इंडिकेटर का सिग्नल मिल जाता है। देखिए, स्ट्रीट 220 आपको दिखा देगा थोड़ा सा एनिमेशन के साथ साथ। जैसे कि आप देखिए, मैं हेडलाइट का स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये जलता रहेगा, जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। एक स्ट्रीट कंट्रोल सिंगल पीस वाइड हैंडल बार दिया गया है ताकि आप सिटी में आराम से इसको राइड कर सके। साइड पैनल में देखें दोस्तों, तो एवेंजर का इंसिग्निया यहाँ पे दिया गया है 3D एम्ब्लेम के साथ एंड 220 स्ट्रीट ब्रांडिंग है वो इसमें दिया गया है। सीट्स अगेन अल्ट्रा कंफर्टेबल सीट्स विद रबर ग्रिप्ड जो है पिलियन ग्रैप बार है वो आपको मिल जाता है एंड पीछे भी दोस्तों आपको क्लासिक स्टाइल इंडिकेटर्स के साथ साथ एक बैक लैंप मिल जाता है जो कि अगेन स्टाइलिश है। हालांकि ये LEDs नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक स्टाइलिश है। इंडिकेटर्स भी काफ़ी हद तक यहाँ पे फ्लेक्सिबल दिया गया है एंड अगर आप देखें तो कंप्लीट इसका जो लुक्स है, लुक्स कम्प्लीटली इसमें पहले से चेंज लगता है। छोटा सा एक एग्जॉस्ट दिया गया है ताकि आपका जो वेट है वो भी कम से कम रहे। अगर दोस्तों हम इसका इंजन को देखें तो इंजन वही पल्सर का 220 सीसी का जो इंजन है उसी को रीडेवलप करके दिया गया है। ये एक ट्विन स्पार्क सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल DTSI 220 सीसी का इंजन है जिसका पावर है 19 PS एंड टॉर्क है 17.5 न्यूटन मीटर्स। एक इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड मुझे लगा कि इसमें किक स्टार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है एंड आपका ये जो रेडिएटर है, ये रेडिएटर आपका ऑयल कूलिंग का काम करता है एंड ये एक लो जो लो डाउन टॉर्क लो RPM ही आपको बहुत अच्छा पिकअप दे देता है एंड इसका जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी हद तक ब्राइट है एंड 55/60 ब्राइट हेडलैम्प्स आपको मिल जाता है। दोस्तों, दोनों तरफ ही आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है। सामने आपको 90/90 17 इंचेस का और पीछे 130/90 15 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ एंटी फ्रिक्शन बुश एंड पीछे ट्विन एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर आपको मिल जाता है। दोनों ही तरफ आपको MRF का टायर मिलता है तो टायर जो ग्रिप है, जो यूरो ग्रिप टायर्स है उनसे बेटर आपको रोड ग्रिप इसमें मिल जाता है। तो बजाज ने कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं किया है।
दोस्तों अगर ब्रेक्स की बात कहें तो सामने आपको 260 mm का आपको डिस्क मिल जाता है एंड पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। दोस्तों ब्रेक्स तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्राइस पॉइंट में ये अवेलेबल है, इसमें एक डिस्क देना एटलीस्ट एज एन ऑप्शन चाहिए था, ताकि ब्रेकिंग और भी बेहतर हो। हालांकि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है, एंड इसका जो लॉन्ग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एंड इसका जो कंप्लीट वेट है, उससे ब्रेकिंग काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। फ्यूल टैंक 13 लीटर्स का है एंड 3.8 लीटर्स में आपका इसका रिजर्व लगता है। सीट दोस्तों, सीट बहुत ही एक लो स्लंग सीट है, जैसे कि क्रूजर में रहता है, एंड इसका सीट का जो हाइट है वो है अराउंड 730 mm, ताकि किसी भी हाइट के राइडर्स, यहाँ तक कि लड़की दोनों ही इसे चला सकते हैं। नेकेड चेन है तो चेन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एंड 5-speed गियरबॉक्स इसमें दिया गया है। पिलियन और ग्राइडर दोनों के लिए ही ये सीट्स कंफर्टेबल है, एंड इसका जो वेट है दोस्तों वो 155 kg है। व्हील बेस अगेन अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है 1490 mm, जो कि आपको हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी तरह से दे देता है। माइलेज दोस्तों, अगर आप सही ढंग से इस बाइक को चलाएंगे तो आपको माइलेज अराउंड 35-40 kilometers आपको मिल जाएगा, एंड अराउंड 130-135 kilometers में आपको टॉप स्पीड इसमें अचीव हो सकता है। एंड दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में है वो अराउंड 1 lakh rupees है, 99,930 rupees एग्जैक्टली इसका एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट में आपको ये अवेलेबल किया गया है। दोस्तों ये जो एवेंजर है, ये अपने सेगमेंट में हमेशा से एक अनकंटेस्टेड बाइक रहा है, और जो एंथुसियास्ट है, जिनको एक बजट के अंदर एक बहुत अच्छा क्रूजर चाहिए हाईवे राइडिंग एंड सिटी राइडिंग दोनों के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, एंड आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें किक स्टार्ट नहीं है, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, तो कुछ हद तक मुझे ये डाउनसाइड्स लगा है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी 169 mm है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से अगेन ठीक ठाक है। तो 1 lakh rupees एक्स शोरूम प्राइस के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा प्राइस प्रोपोजिशन इसमें मिल जाता है। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू। आपका अगर कोई भी कमेंट है, अगर आप ये बाइक यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।